और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, गुलमर्ग आतंकी हमले में एक और जवान शहीद हुए हैं। ये बड़ी जानकारी मिल रही है, हमले में 3 जवान शहीद हो गए हैं और 2 पोर्टर की मौत हो चुकी है। दरअसल पोर्टर यहाँ पर कूली से तात्पर्य है, जो जवानों की मदद करते हैं, मदद के लिए साथ में रहते हैं। इसी पर एक आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। कहते हैं कि जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है, और आतंकियों की मौत भी उन्हें पाकिस्तान से हिंदुस्तान खींच लाई है। गुरुवार को आतंकियों ने गुलमर्ग में भारतीय सेना के वाहन पर गोलियां बरसाकर इतनी बड़ी गलती कर दी है कि इस बार वो तो क्या पाकिस्तान में बैठे उसके आका भी नहीं बच सकेंगे, क्योंकि इस आतंकी हमले से भारतीय सेना गुस्से में है और सेना ने आतंकियों का पूरा हिसाब किताब तैयार कर लिया है। आतंकियों को कैसे मारा जाएगा, कहां मारा जाएगा और किस खतरनाक हथियार से मारा जाएगा, इसका पूरा प्लान रेडी है। सेना अपने जवानों की शहादत का बदला कब लेगी, ये हम आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता देते हैं कि आतंकियों ने कैसे गुरुवार को भारतीय सेना पर घात लगाकर हमला किया। दरअसल आतंकियों ने निहत्थे जवानों को उस वक्त निशाना बनाया जब गुलमर्ग के नागिन इलाके से भारतीय सेना का काफिला जा रहा था। तभी वहां छिपे आतंकियों ने जवानों को चारों तरफ से घेर कर गोलियां बरसा दी। जब तक जवान कुछ समझ पाए और हथियार उठाकर आतंकियों को ललकारते, आतंकी हमेशा की तरह पीठ दिखाकर भाग गए और सेना का सामना करने की हिम्मत नहीं दिखा पाए। लेकिन अचानक हुए इस हमले में 2 जवान शहीद हो गए, जबकि 2 पोर्टर भी अपनी जान गवा बैठे। दरअसल पोर्टर सेना की मदद के लिए होते हैं और वो पहाड़ी इलाकों में सामान पहुंचाने में सेना की मदद करते हैं। अचानक हुए इस हमले से पूरा कश्मीर दहल गया है। बताया जा रहा है कि 3 से ज्यादा आतंकी थे जिन्होंने सेना पर हमला किया, जिसके बाद अब गुलमर्ग में हाई अलर्ट घोषित किया गया है। सुरक्षा बल के जवान सबसे खतरनाक हथियार लेकर उसी इलाके में पहुंच चुके हैं जहां आतंकी हमला हुआ था। आतंकियों की तलाश शुरू कर दी गई है। भारतीय सेना रोज रोज के आतंकी हमले से इतने गुस्से में है, इस बात तो वो गुलमर्ग में पर्यटकों की आवाजाही तक रोक दी गई है, जिसका सीधा मतलब है कि इस बार आमने सामने का मुकाबला होगा और सेना आतंकियों की मौत की नींद सुलाकर ही दम लेगी। गुलमर्ग में यहाँ पर आर्मी के एक वाहन पर गोलियाँ चलाई, जिसमें अभी तक जो है 4 लोगों की जो मौत हुई है और कॉर्न एंड सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। हालांकि सूत्रों के हवाले से ये भी बताया जा रहा है कि जैश मोहम्मद का जो आउटफिट पफ है, वो उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है इस अटैक की, कुल मिलाकर जो भी अभी ऑपरेशन चल रहा है। हालाँकि लाइन ऑफ कंट्रोल के जितने भी एरियाज हैं उनको अभी हाई अलर्ट पर रखा गया है। जिस जगह पर आतंकी हमला हुआ वहां से LOC केवल 5 किलोमीटर की दूरी पर है। ऐसा माना जा रहा है कि आतंकियों ने उत्तरी कश्मीर के बोटा पथरी सेक्टर से घुसपैठ की होगी, लेकिन इस बार आतंकी किसी कीमत में बख्शे नहीं जाएंगे, वो बचेंगे नहीं। जिस तरह के हालात इन दिनों कश्मीर में बन रहे हैं, उससे तो यही लग रहा है कि कश्मीर के आतंकी तो क्या, अब पाकिस्तान में बैठे आतंकी भी नहीं बचने वाले, क्योंकि आतंक पर लगाम लगाने के लिए सेना कुछ भी करने को तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी बीच आपको बता दें, आतंकी हमलों पर फारूक अब्दुल्ला का बयान सामने आया है। उन्होंने एक बार फिर से पाकिस्तान की पैरवी की बात कही है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि ये सब बंद करें, दोस्ती का रास्ता खोजें, तब तक नहीं रुकेगा जब तक सही समाधान नहीं होगा। आइए सुनते हैं क्या कहा। आप जानते हैं ये कहां से आते हैं, और वो तब तक बंद नहीं होगा जब तक कोई रास्ता नहीं ढूंढा जाए इस मुसीबत से निकल लेगा। मैंने ये आज 30 साल से देख रहा हूं, और बेगुनाह मारे जाते हैं और हम पाकिस्तान का हिस्सा बनने वाले नहीं हैं, तो ये कर किस लिए रहे हैं?
हमारे मुस्तकबिल को ख़राब करने के लिए, बर्बाद करने के लिए, हमारी गरीबी को और गरीब बनाने के लिए, इसके बजाय कि वो अपने वतन को देखें, अपने वतन की बहबूदी को देखें, उसको बेहतर बनाएं। वो खुद बर्बाद हो रहे हैं, हमें भी साथ बर्बाद कर रहे हैं। मैं इनसे फिर से आपके मध्य से अपील करता हूँ, ये बंद करिए और रास्ता दोस्ती का ढूंढिए। रास्ते का नहीं ढूंढेंगे तो मुस्तकबिल बहुत मुश्किल होगा। और इसी खबर पर एरावत और पुनीता हमारे साथ जुड़ गए हैं गुलमर्ग से। लेकिन पुनीता, सबसे पहले आपके पास आते हुए, जिस तरीके से फारूक अब्दुल्ला बार बार एक ही राग अलाप रहे हैं, दोस्ती का, दोस्ती उससे जहां से नापाक हरकतों को बार बार अंजाम दिया जाता है, अभी गुलमर्ग की हम बात कर रहे हैं, इससे पहले त्राल और फिर गांदरबल में भी देखा गया, ये सब रुक नहीं रहा है। लेकिन ऐसे देश से दोस्ती कैसे हो सकती है, कैसे बार बार ये राग अलाप रहे हैं? बिल्कुल प्रियंका, देखिए हैरान होने की ज़रूरत नहीं है अगर फारूक अब्दुल्ला ने ऐसा बयान दिया हो, क्योंकि पहली बार वो ऐसा बयान नहीं दे रहे, कई बार, हर बार जब जब आतंकी हमले होते हैं तो फारूक अब्दुल्ला यही कहते हैं कि पाकिस्तान के साथ दोस्ती के जरिए ही हम समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। लेकिन सवाल ये कि आखिर ऐसा संभव कैसे होगा, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से हर तरफ देखिए घाटी में अशांति फैलाने की कोशिश की जाती है, दहशत फैलाने की कोशिश की जाती है, और उसके बाद तुरंत बाद यानी कि फारूक अब्दुल्ला का बयान सामने आता है और ये कहते हैं कि बातचीत कीजिए, दोस्ती का हाथ पाकिस्तान के साथ बढ़ाया जाए और इसके बाद जो है कोशिश ये की जाए कि समस्या का समाधान निकाला जाए। आपको याद होगा कि जब आतंकी हमला हुआ था तो फारूक अब्दुल्ला ने ये कहा था कि देश की जो सेना है वो आतंकियों के साथ मिली हुई है। तो ऐसे शर्मनाक बयान वो दे चुके हैं और एक बार फिर से, यानी कि चार दिन पहले जब आतंकी हमला हुआ था तब भी फारूक अब्दुल्ला यही कहते हुए नजर आए थे कि हमें जो है पाकिस्तान के साथ दोस्ती बनानी होगी, हाथ आगे बढ़ाना होगा। लेकिन सवाल कई उठते हैं कि आखिर उस पाकिस्तान के साथ दोस्ती का हाथ कैसे बढ़ाया जाए जो बार बार पड़ोसी मुल्क में ही अशांति फैलाने की कोशिश करता नजर आता है। जो कहे हैं पुनीता कि दोस्ती का हाथ ऐसे के सामने कैसे बढ़ाया जाए जब वहीं से ये इस तरीके की आतंकी गतिविधियों को अंजाम दिया जाता है। एरावत भी हमारे साथ हैं। एरावत, सुरक्षा बल के जवान हैं, लगातार सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं वहां पर, इस समय क्या अपडेट उसको लेकर मिल पा रहा है? जी हाँ, जो हम देख रहे हैं सर्च ऑपरेशन को और बढ़ा दिया गया है। अगर लाइन ऑफ कंट्रोल उरी सेक्टर की हम बात करें जो कि बिल्कुल इसके बोटापथरी के बिल्कुल क्लोज वाला इलाका है जहाँ पे अभी कॉर्डन सर्च ऑपरेशन को जो है बढ़ा दिया गया था। इससे पहले भी हमने देखा किस तरह से जो ये अटैक स्पॉट है, इसके जितने भी इर्द गिर्द इलाके हैं, चाहे पुंछ सेक्टर की हम बात करें जो कि बिल्कुल पास वाला इलाका है, वहाँ पर भी सर्च ऑपरेशन को बढ़ा दिया गया है। सर्च ऑपरेशन की अगर हम बात करें, जिस सर्च ऑपरेशन में अभी स्पेशल फोर्सेज है जम्मू एंड कश्मीर पुलिस की, उसके साथ साथ अगर बाकी पैरामिलिट्री फोर्सेज की बात करें वो भी अभी स्पॉट पर पहुंच चुके हैं। कुछ टाइम के बाद नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी भी बताया जा रहा है कि वो भी स्पॉट पर पहुंचेगी और इन्वेस्टिगेट करेगी आखिर ये मामला है पेश कैसे आया। उसके साथ साथ अगर हम बात करें लगातार किस तरह से हम यहाँ पर देख रहे हैं इस ऑपरेशन में, जो किस तरह से यहाँ पर जो सर्च ऑपरेशन जो अभी चलाया जा रहा है, हालांकि इसके साथ ये भी कहा जा रहा है कि जैश ने इस अटैक की जो है रेस्पॉन्सिबिलिटी ले ली और वो भी अब पता लगाया जा रहा है।